नमस्कार मंडळी, नमस्कार मंडळी. देशदूत फेसबुक लाईव्ह संवाद कट्ट्यामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मंडळी, आपण संवाद कट्टा हा जसं साहित्य, शास्त्र, कला, मनोरंजन, विज्ञान, अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण या सगळ्या विषयांवर आपण संवाद कट्ट्यावर चर्चा करणार असतो. आज आपण चर्चा करणार आहोत एका उर्दू शायरावर. जो उर्दू शायर आपल्या शेजारचा जिल्हा जालना इथला रहिवासी होता. विदर्भातल्या जालना शहरामधून या शायराने देशभरातल्या भारतीय अखिल भारतीय पातळीवरचे जालनवी यांच्या शायरीवर आज आपण भाष्य करणार आहोत. शम्स जालनवी यांचं अलीकडेच गेल्या आठवड्यामध्ये निधन झालं. निधनाच्या वेळी त्यांचं वय होतं 95 वर्ष. गेली 92-93 वर्ष शम्स जालनवी हे न थकता शायरी करत राहिले, मुशायऱ्यांमध्ये भाग घेत राहिले आणि उर्दू साहित्यावर त्यांनी मरेपर्यंत प्रेम केलं. असा हा उर्दूसाठी लढणारा, उर्दूसाठी जगणारा आणि उर्दूसाठीच जगणारा शायर आज आपल्यात नाही आणि त्या शम्स जालनवी यांच्या शायरीवर आपण चर्चा करणार आहोत. त्यांच्या एकूण व्यक्तिमत्वाचा आपण आढावा घेणार आहोत. शम्स जालनवी यांना भारतातले तर सगळे उर्दूप्रेमी, शायरीप्रेमी लोक ओळखतच होते, पण त्यांना विदेशातही विशेषतः यूट्यूबच्या माध्यमातून त्यांचे जे मुशायरे जगभर गाजत आहेत, अलीकडे त्यांच्या मुशायऱ्यांच्या खूप त्यांना शेअर्स असं केलं जातं आहे. अशा शम्स जालनवींना आपण आज त्यांच्या शायरीवर आपण चर्चा करणार आहोत. आपले माजी दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या त्यांना आवडणाऱ्या शायरांमध्ये आपल्या या शम्स जालनवी यांचं नाव अगदी अग्रक्रमावर होतं, कारण त्यांची जी प्रतिभा होती, शम्स जालनवी यांची जी साहित्य संपदा होती त्यावर अटलजींचं जास्त प्रेम होतं. त्यामुळेच असेल कदाचित स्वातंत्र्य दिनाच्या आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला दिल्लीमध्ये किल्ल्यावर होणाऱ्या मुशायऱ्यांमध्ये शम्स जालनवी यांनी अनेक वेळा सहभाग नोंदवलेला आहे आणि ते मुशायरे गाजवलेले आहे. आज आपल्यासोबत शम्स जालनवी यांच्या शायरीवर आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वावर चर्चा करण्यासाठी आपल्या जळगाव जिल्ह्यातले उर्दू साहित्यातले काही मान्यवर आपल्यासोबत आहेत. मी त्यांचा तुम्हाला परिचय करून देणार आहे. हे आहेत रशीद कासमी, जे उर्दू साहित्य अकादमीचे माजी सदस्य आहेत. त्यांचं स्वतःचं एक पुस्तक आलेलं आहे. ते उर्दू पत्रकार आहेत, उत्कृष्ट लेखक आहेत आणि उर्दूतून मराठी आणि मराठीतलं उर्दू असं भाषांतर करण्याचं काम रशीद कासमी यांनी अनेक वर्ष केलं, अजूनही ते करत आहेत. मराठी वृत्तपत्रांमध्ये उर्दू नियतकालिकांमध्ये काय चाललं आहे त्याचा धांडोळा घेण्याचं काम रशीद कासमी हे करतात. त्यांची 2 पुस्तकं आता प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. दुसरे एक उर्दू मित्र आपले उर्दूवर उर्दूचे मान्यवर लेखक आणि अनेक मुशायऱ्यांची सूत्रसंचालन करणारे आणि अनेक शायरांच्या सहवासात राहिलेले आपल्या आकाशवाणी जळगाव आकाशवाणी केंद्राचे माहिती सहाय्यक जावेद अन्सारी आपल्यासोबत चर्चेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. ते आकाशवाणीमधल्या उर्दूमध्ये गुलफिशा नावाचा कार्यक्रम ते दर महिन्याला सादर करत असतात. उर्दू विभागाचं कामसुद्धा ते पाहत असतात. त्यांच्यासोबतच एक दुसरे आमचे मित्र आहेत, उर्दू पत्रकार आहेत, लेखक आहेत, कवी आहेत चांगले, मुश्ताक करीमी हे पाळदीच्या उर्दू हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आहेत. अनेक वर्ष उर्दू पत्रकारितेमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेला आहे. मुंबईच्या इन्क्लाब दैनिकाचे ते जिल्हा प्रतिनिधी ब्युरो चीफ म्हणून त्यांनी या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि त्यांचंसुद्धा उर्दू साहित्यावर खूप मोठं काम या जळगाव जिल्ह्यामध्ये आहे. ते स्वतः त्यांचं एक पुस्तक प्रकाशित, 2 पुस्तकं त्यांची प्रकाशित झालेली आहेत आणि आता त्यांचा आणखी अभ्यास उर्दूवरचा चाललेला आहे. त्यांनीसुद्धा यूट्यूब चॅनलवर मिठे करेले नावाचं एक चॅनल त्यांचा ते आठवड्यातून चालवतात. प्रतिसाद त्यांचाही आला आहे. साहित्यामधली ही 3 मान्यवर मंडळी आज आपल्याशी शम्स जालनवी यांच्या शायरीवर चर्चा करणार. मी सुरुवातीला जावेद अन्सारी सरांना विचारणार आहे. आपला आजचा जो विषय आहे शम्स जालनवी आणि जळगाव, शम्स जालनवी हे जळगावशी खूप जवळीक त्यांची होती. अनेक वेळा ते जळगावला येऊन गेले आणि ज्या ज्या वेळेला जळगाव गाजवलेले आहेत त्यांची आठवण तुम्ही काय सांगाल? आप हिंदी में भी बात करें
तो चलेगा, हम लोग हिंदी मराठी दोनों में बात करें। पाटिल सर, ये बात 1996 की है जब इंडस्ट्रीज जैन चैरिटीज एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन उर्दू हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उस वक्त के जो कलेक्टर थे एस एस साहब ने किया था, और उसके उद्घाटक थे नाधो महानोर साहब। इसके कोऑर्डिनेटर जैन इंडस्ट्रीज के ही पीआरओ फारूक शेख साहब थे। इत्तेफाक से मुझे उसकी कन्वेनरशिप मिली थी उस तारीखी ऐतिहासिक मुशायरे की, उसमें शकील हसरत साहब और उस वक्त के आरडीसी एसएनएम कादरी साहब पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा उन्होंने हिस्सा दिया था। उस मुशायरे में, उस कवि सम्मेलन में ज्ञानपीठ विनर डॉक्टर शहरियार थे, के उर्दू का एक बड़ा नाम स्वर्गीय कृष्ण बिहारी नूर थे, स्वर्गीय शाहिद कबीर थे, बेकल उत्साही थे, और उसकी उसका सूत्र संचालन, उसकी निजामत जो थी वो स्वर्गीय मेराज फैजाबादी ने की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े सूत्र संचालक थे। वो मुशायरा इसलिए भी याद है कि इतने बड़े बड़े कवि जलगांव की खानदेश की धरती पर आए थे, नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के, उर्दू दुनिया के। लेकिन वो याद इसलिए भी है कि उसमें दो बुजुर्ग शायर, एक हमारे चोपड़ा के मिर्जा मुस्तफा आबादी और दूसरे जालना के शम्स जालनवी साहब, ये सबसे बड़ा रोल उस मुशायरे को कामयाब करने में इनका था, ये दोनों हीरो थे। आज की चर्चा चूंकि शम्स जालनवी साहब पर आधारित है, इसलिए मैं उस मुशायरे को याद करता हूँ। जब आता हूँ तो मुझे याद आता है कि जालनवी साहब अपना कलाम प्रस्तुत कर रहे थे और जिसे हो रहा है कि छत उड़ जाना, कोई तूफान आता है तो लोगों के घरों की छतें उड़ जाया करती थी, तो उस तरीके का तूफान शम्स नाम का आया था। इतनी दाद बटोर रहा था, पूरा हॉल, क्या बात है, क्या बात है, अपनी कुर्सियों से उठकर ना सिर्फ बल्कि उसमें जो स्टेज पर शायर थे, जो बड़े बड़े शायर थे, वो लोग भी उठ उठकर उनको दाद दे रहे थे। इतनी दाद मिली कि उसको बंद करना मेरे बस की बात नहीं है, है ना। जब मुशायरे में शम्स जालनवी साहब अपना कलाम पढ़ लिए, तो जब अपनी जगह पर बैठे तो वो आकर मुझसे गले मिले और जिसको कहते हैं कि बाकायदा रोने लगे जी। और उन्होंने ये इतराज़, उन्होंने इस बात को माना कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुझे जितनी इज्जत कहीं नहीं मिली, उससे ज़्यादा इज्जत इस खानदेश की धरती में, इस जलगांव में। मुशायरे की सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉक्टर शहरियार जो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर है, उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी के अगर 10 मेमोरेबल यादगार मुशायरे अगर मैं गिनूं, तो उसमें से ये एक जलगांव का एक मुशायरा था। और उस मुशायरे की खास बात ये थी कि उस वक्त जलगांव जिले में दो कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक सुरेश दादा जैन थे और दूसरे एकनाथ खड़से साहब थे। दोनों मंच पे आए थे, दोनों मंत्री आए थे और सामने बैठे हुए थे, समझे क्या। चूंकि पालक मंत्री एकनाथ खड़से साहब थे, बाद में संधु साहब ने, जो सदर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई खड़से साहब को स्टेज पर बुला लो, तो मैंने फिर मेराज साहब को बोलकर एकनाथ खड़से साहब को स्टेज पर बुलाया था। ये एक बड़ी बात थी। और दूसरी एक अहम बात, जब आप याद की बात कर रहे हैं उस जैन इंडस्ट्रीज के मुशायरे की, तो एक और ख़ास बात भी थी
जिसका रेफरेंस आज के इस देशदूत के इस साहित्य कट्टे से जुड़ता है वो ये कि मुशायरा था उर्दू का, लेकिन उस वक्त ने उसको जो कवरेज दिया और जो कवरेज दिया वो मेरी ज़िंदगी में किसी उर्दू भाषा के किसी फंक्शन का इतना बड़ा कवरेज नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मेरी खुशकिस्मती है कि अनिल पाटिल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अनिल पाटिल उन दिनों रिपोर्टिंग मेरा ही था। उन दिनों अनिल पाटिल जो थे वो मेरे ख्याल में तरुण भारत में थे। नहीं, मैं उन्होंने पूरा लिखा था और इतना खूबसूरत फीचर मैं मराठी में उर्दू के मुशायरे के ताल्लुक से नहीं पढ़ा था। तो ये यादें थी जो मैं आपसे शेयर कर, इसीलिए उन्हें उर्दू दोस्त का नाम दिया गया जी। अंसारी साहब, हम तीनों उस मुशायरे में मौजूद थे, हमने उसका आनंद भी उठाया है और वो रहेगा। वैसे तो उसके बाद में वो बहुत सारे मुशायरे शम्स और वो जलगांव का पहला मुशायरा था, उससे उर्दू अदब में जो काम हुआ है 96 के बाद में, आज तो हर तरफ देखा जाए तो उर्दू का काम जलगांव जिले में जितना पहले नहीं था 90 के पहले, वो 96 के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर, उसका एक मैं उदाहरण आपको यहाँ पेश किया। थोड़ा आपको रुक के मैं बताता हूँ, इत्तेफाक है आज रशीद कासमी साहब हमारे साथ में हैं जी। शम्स जालनवी साहब मरते दम तक पेपर बांटने का काम करते थे, यानी न्यूज पेपर एजेंट थे, और वो इसलिए बांटते थे कि वो वैसा तो उनको उनके दोनों लड़के अच्छे काम पे थे, घर पे पैसा भी बहुत अच्छा आता था, लेकिन उनको बहुत बार लोगों ने बताया बोला कि शम्स साहब आप थक गए, अभी आप ये क्यों पेपर बांटते हो, सुबह सुबह 5 बजे उठ के जालना सिटी में घूमते हो और उर्दू पेपर वो बांटते थे। तो बोले ये मेरे जिंदगी का सफ़र है, जिस दिन मेरी साइकिल रुकेगी उस दिन मेरा सफर भी, पैसा भी, पेपर बांटना खत्म हुआ और वो उन्होंने आखिरी सांस ले ली। जो उर्दू पेपर जलगांव में भी बांटने का काम इनका लड़का करता है, इनके घर में भी उर्दू पेपर की एजेंसी का, रफीक आलम इनका लड़का, इत्तेफाक देखो वो भी शायर थे, ये भी शायर है, इनके भी घर में पेपर, ये आज अपने चर्चा का एक इत्तेफाक की बात है। मैं मुश्ताक भाई से पूछूंगा कि आपको शम्स जालनवी की शायरी की विशेषता क्या लगती है? अनिल पाटिल साहब, शम्स जालनवी की जो शायरी है उस शायरी में दर्द है, वेदना है, तड़प है, उमंग भी है, चढ़ाई भी है, उतार भी है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है। इतने अलग अलग पहलुओं से उन्होंने अपने शेर कहे हैं और इतने अलग अलग एंगल्स से उन्होंने शायरी को देखा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि उन्होंने जो हमारे देश की फाड़नी हुई डिवीजन, जो डिवीजन हुआ उसको भी उन्होंने देखा है। जब वो एमए कर रहे थे फारसी से, फारसी में लाहौर से, तो वो लाहौर में थे और उस वक्त वो लाहौर में थे, उसके बाद में फाड़नी हुई, देश दो टुकड़ों में बट गया, तो उन्होंने पाकिस्तान में रहना गवारा नहीं किया, जालना में रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जालना में जाऊंगा, और वो वापस आए, और वापस आने के बाद में उन्होंने देखिए इंसान जो लिखता है तो जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, क्या बात। जो इंसान देखता है वो लिखता है। अच्छा, तो वो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वो उनकी शायरी में आया, और उनकी शायरी में अशार तो बहुत अच्छे आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी शायरी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी उनका तरन्नुम, जिसको हम गोड़वा मराठी में कहेंगे या मंजुड़ गायन हम उसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसको मेलोडी कहते हैं, मेलोडी। तो वो जो शायरी में जो गुनगुनाते थे कि जर्द जर्द चेहरे हैं, है ना, तो वो गुनगुनाना उनका इतना अच्छा लगता था कि मंत्रमुग्ध हो जाते थे सब,
डूब जाते थे उनकी फरमाइश से नीचे से वही आते थे कि शम्स साहब तरन्नुम में गाइए, तरन्नुम में गाइए। तो तरन्नुम का उनका बहुत एक अच्छा था और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि बैंड बाजे से भी कभी किसी जमाने में शम्स साहब जुड़े थे। अच्छा। और वो बैंड बाजे में जुड़ने के बाद में फिर वहाँ उनको रियाज करना और ये तमाम चीजें से भी उनको वास्ता पड़ा, साजिंदे के तौर पर, और साजिंदे के तौर पे रहे। तो वो एक उनकी जो एक अच्छी आवाज थी उसको एक परवान मिली और इस तरह से उन्होंने शायरी शुरू की। अच्छा। देखिए मैं उनके एक दो शेर आपके सामने पेश करता हूँ और वो शेर यह है कि उसकी आप गहराई भी देख सकते हैं। उदास आंखों को शबनम बांटता है, उदास आंखों को शबनम बांटता है, नया सूरज नए गम बांटता है। क्या बात, बहुत गहराई है। सच्चा मसीहा दौरे हाजिर का मसीहा, मसीहा दौरे हाजिर का मसीहा लगाकर जख्म मरहम बांटता है। क्या बात, ये शायरी बरसों पहले शम्स साहब ने की, आज भी शायरी को आप हमारे देश की स्थिति पर, परिस्थिति पर जब आप इसको डालेंगे तो तंतोतंत हमको इसमें नजर आएगा, चाहे किसी भी पक्ष के हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन हालात वही हैं, हालात बदले नहीं है। तो ये शम्स साहब की शायरी की बड़ी बात है कि वो शायरी कभी जूनी नहीं हुई, उसको हम ये नहीं कह सकते कि भैया आउट ऑफ डेट हो गई है। आप उसको 50 साल पुरानी शायरी को पढ़िए, आज के हालात पर वो आपको फिर नजर आ जाएगा, ताजा लगेगा बिल्कुल। और उनका एक शेर है कि जान बाकी है हम सलामत हैं, हम सलामत हैं, जान बाकी है हम सलामत हैं, जिस्त बाकी है गम सलामत सलामत है। तलखिया गम में क्यों कमी होगी, तलखिया गम में क्यों कमी होगी, जबकि अहले करम सलामत है, अहले करम सलामत है। दोस्तों की तरफ से जो तकलीफ और जो दर्द मिलता है, अपनों की तरफ से जो तकलीफ और दर्द मिलता है वो डॉक्टर के किसी मरहम से अच्छा नहीं होता है, वक्त ही उसका मरहम होता है और वक्त ही उसको पूरा करता है, लेकिन फिर भी दिल में कसक बाकी रह जाती है। ऐसे ढेरों शायर अशार कविताएं वो उनके पास मौजूद हैं शम्स साहब के पास में, जो उनकी शायरी को बहुत अलग अलग डायमेंशंस देती है। इसी शायरी और इसी प्रतिभा के तो अटल जी दीवाने हुए थे जी, जी, जो एक बहुत मशहूर गजल है, मेरा मन कितना पागल है, मेरा मन कितना पागल है, कांटों से खुशबू की आशा, जहर से जीवन मांग रहा है। मेरा मन कितना पागल है, कांटों से खुशबू की आशा, जहर से जीवन मांग रहा है, सूखे फेड़ से छाया मांग रहा है, पत्थर दिल से माया मांग रहा है। क्या शायरी, क्या शायरी, क्या कहने, क्या कहने। अटल जी जे एक मुशायरे में जब इनसे उनको सुना उन्होंने जी। और उन्होंने कहा उनको कि मैं आपका आपकी प्रतिभा, क्या शब्द है आपके, क्या शायरी है। अटल जी जैसे लोग जिस शम्स साहब को मानते थे, उन्होंने जो मुशायरे शिरकत किए देश भर में, ज्यादातर वो हैदराबाद में उनको ज्यादा बोला है जी, जी, वो दकन में, हाँ, दकन का इलाका असल में। हाँ जी, आप बताइए। अनिल पाटिल जी, उनका ताल्लुक दकन से था। अच्छा। मुश्ताक करीमी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया, शायर को जब बहुत बड़े झटके लगते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि पार्टीशन का एक झटका लगा, उसके बाद 48 में, सितंबर 48 में मेरे ख्याल में पुलिस एक्शन हैदराबाद का वो जो था वो भी एक बड़ा झटका था। शम्स जालनवी साहब का ख्वाब था कि वो एमए फारसी करने के बाद, वो तो लाहौर में किया था उन्होंने, एमए फारसी करने के बाद वो किसी कॉलेज में लेक्चरार हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, लेकिन हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद उनके ख़ानदान की, उनका ख़ानदान पूरा बिखर गया और उनके ऊपर बहुत 20-22 साल के रहे होंगे जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, तो मुख्तलिफ जगहों पे काम किया उन्होंने,
सबसे पहले तो किसी बीड़ी के कारखाने में मालिक थे, बीड़ी के कारखाने में शुरुआत की, शुरुआत की, फिर उसके बाद मैनेजर बनाए गए, फिर उन्होंने अपना खुद का भी वो डाला, उसके साथ साथ वो किसी ऑर्केस्ट्रा में वो थे, साजिंदे का काम करते थे। लेकिन उसी के साथ साथ ये जो दो झटके लगे उनको, एक पार्टीशन का और एक जॉब चले जाने उनका, वो तो उसकी वजह से वो शायर जो है बहुत उभर कर आया। आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया, जहाँ तक कि मेरी मालूमात है वाजपेयी जी शम्स जालनवी को एक दो मुशायरों में, एक दो कवि सम्मेलन में मिले, लेकिन वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, पंतप्रधान बने, तो उन्होंने शम्स जालनवी को विशेष तौर पर वहाँ पर निमंत्रण दिया और वो खुद हाजिर रहे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की हिसाब से, यहाँ तक कि मेरी मालूमात थी। अच्छा, नहीं, इसमें ये जो जावेद साहब ने कहा और आपने कहा अनिल भाई जी, अटल जी की बात, तो अटल जी जोहरी थे। अच्छा, वो पारक, वो हीरे की कदर जानते थे, वो पारक कभी थे, वो जानते थे। तो सिवा एक बात और हमारी गुफ्तगू में आई कासमी साहब के, वो अखबार बांटते थे, अखबार से उनको कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट मिलता था, ये अलग बात है। नहीं, वो तो उर्दू की सेवा के लिए, बस एक की सेवा, उर्दू की खिदमत उनको करना थी। और आज मैंने हमारे एक दोस्त जो मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी है औरंगाबाद के जी, जो खुद एक बुक सेलर है, अच्छा, उनसे जब शम्स साहब के ताल्लुक से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि भाई वो ऐसे दीवाने आदमी थे कि आज भी अगर आप जालना में ढूंढेंगे तो कई सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके तरफ उनकी उधारी बाकी है। अगर हम ये दरखास्त करते हैं कि अगर वो ये लोग सुन रहे हैं तो वो उनकी उधारी चुकता कर दे, ये भी खिदमत होगी। ये एक बहुत बड़ी सेवा थी, उनको प्रॉफिट और लॉस का नहीं था। उर्दू अखबार घर घर पहुंचना चाहिए और उर्दू लोगों ने पढ़ना चाहिए, ये उनके मन की इच्छा थी। आपने ये दो तीन बार जो एक इकरा ये थीम कॉलेज में जो मुशायरा हुआ था, मेरे शायर, मेरे मैं भी मंच पे डायस पे आपके भी, आपका भी नाम मैंने वहाँ सुना था, और आपने उनको काफ़ी करीब से देखा भी है और उनकी शायरी का आपने बहुत बारीक से स्टडी भी किया है। आप कैसा देखते हैं शम्स साहब की शायरी पर? अनिल पाटिल साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ देशदूत परिवार का कि आपने एक यहाँ पर श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हमें निमंत्रित किया है। मुझे वो मुशायरा याद है जिसमें महराज फैजाबादी थे, और मेरा शौक के अंतर पर ये रहा है कि जिस प्रोग्राम में मैं रहूं तो वहाँ जो कलाकार आते हैं, जो फनकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनसे करीब रहकर कुछ मालूमात लूँ। अच्छा, वरना आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग प्रोग्राम सुनर चले, लेकिन यहाँ भी जो ड्रामे देखता हूँ मराठी में या दूसरे भी कोई, तो ऐसी तबीयत होती है कि इनसे मिले और ये देखे कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इनका बर्ताव कैसा होता है, क्या होता है। तो महराज फैजाबादी और शम्स साहब यहाँ मुशायरे के बाद में एक जगह खड़े थे, तो महराज फैजाबादी अपने दोस्तों के साथ, तीन चार दोस्तों के साथ और थे, उन्होंने कहा, तो मैं बड़ा हैरत में पड़ गया शम्स साहब से। उन्होंने कहा, शम्स साहब आप इतना अच्छा पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम मुशायरे हम घूम रहे हैं, हमें बहुत लोग मिले, उनका बहुत अच्छा तरन्नुम होता है, उनकी बहुत अच्छी शायरी होती है, लेकिन आपका जो तरन्नुम देख रहे हैं ये एक बिल्कुल अनोखा, एक नया तरन्नुम हमारे लिए। तो एक काम आप कीजिए, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि हम एक जगह सुने जगह चलेंगे, एक गेस्ट हाउस लेंगे और आप रात भर हमें शायरी सुनाइए। मैं आपको इस वक्त, देखिए कितनी पुरानी बात है, मैं आपको इस वक्त 10,000 रुपये का ऑफर करता हूँ, आप हमें सिर्फ शायरी सुनाइए, हम आपका तरन्नुम सुनना चाहते हैं, आपकी शायरी सुनना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, ये मिले, मालूमात मिले, और एक तफरी, एक एंटरटेनमेंट जो होता है डायन का, दिमाग का, वो हमें मिले। मुझे बात बहुत अच्छी लगी, मैंने बोला इतने कम्प्लीमेंट देते हैं लोग, बहुत सारे लोग कुछ वहाँ कहता है, कुछ कहता है, लेकिन इतना बड़ा अनाउंसर जो होता है जिसने सारी दुनिया के शायरों को और शायरी को देखा है, तो बहुत सारे एल्बम भी आ चुके हैं शायरी के, बहुत सारे, मेरा फैजाबादी के तो बहुत जी सारे। जी, बहुत बड़े लता मंगेशकर ने गाई है, गाई है, उनकी गजलें गाई, लेकिन उनका, दिलजीत सिंह ने गाया है, जी जी, लेकिन उनका कंप्लीमेंट देना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि जो भी कलाकार होता है उसके पीछे दर्द होता है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री रिलेटेड है और उनका कोई बेटा कुछ कवि बन गया है, कोई लेखक बन गया है, क्योंकि ये लाइनें अलग है। कभी लक्ष्मी सरस्वती की जो बात होती है तकरीबन वैसी बात है, ये एक दर्द होता है, जैसे जावेद साहब ने कहा कि एक दर्द तकसीम का था, फ्रैक्शन का, एक दर्द ये था
कि वो बड़ी जगह पर जाकर कोई काम करे, ये दोनों झटके ऐसे इंसान को कि उसकी ज़िंदगी में वो तब्दीली ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। और वही हुआ, ज़िंदगी भर तक उस दर्द को लेकर शम्स साहब जिए हैं। मैं उनके इंतकाल के बाद से तकरीबन रोज़ाना 1.5-2 घंटा उनके यूट्यूब पर शायरी सुन रहा हूँ, और बार बार ये तबीयत कहती है कि उनको सुना जाए। ये जो है जर्द जर्द चेहरे हैं, इस गज़ल को हर मुशायरे में सुना जाता था। हिंदुस्तान में जितने मुशायरे उन्होंने पढ़े हैं वहाँ पर ऐसा कोई मुशायरा नहीं है, वो जिक्र आया उसमें यूट्यूब पर कि हर जगह इस गज़ल को सुना जाता था, और उस पर इतनी दाद मिलती थी कि बाकी जो शोरा बैठते थे स्टेज पर वो हैरान हो जाते थे कि हमारे हिस्से में क्या है। लेकिन वो लोग भी उनको चाहते थे और वहाँ से दाद देते थे, स्टेज पर से दाद मिलती थी, सामयिन में से, श्रोताओं में से दाद मिलती थी, और इस तरह उनका हौसला बढ़ता था। रही बात इसकी उनके काम की, तो मुझे लगा बुरा हो, मैं साइकिल पर जब उनका देखा इस पर यूट्यूब पर तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक बुजुर्ग इंसान है, लेकिन क्योंकि चूँकि बात आ चुकी है यहाँ पर कि उनके हालत ऐसे नहीं थे कि वो उसी पे गुजर बसर करते थे, बल्कि एक तो ज़बान से मोहब्बत और दूसरी ये कि अखबार घर घर पहुँचे। मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ उर्दू अखबार नहीं आते हैं, देखिए अभी हमारे यहाँ मराठी अखबार शुरू है, लेकिन जो मुंबई के अखबार आने वाले हैं वो सब बंद है क्योंकि गाड़ियाँ बंद है। अब लोग क्या पढ़े, अब ऑनलाइन में आप पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे। तो वो चाहते थे ऐसा कि एक छोटा शहर जानना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू पढ़े, उसमें उर्दू शायरी भी आएगी, उर्दू शायरी पढ़े, उर्दू साहित्य पढ़े, गद्य पढ़े, ताकि लोगों के मालूमात में इजाफा हो। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है, पर आमतौर ऐसा नहीं होता। 95 की एज में इंसान आराम चाहता है कि भाई आराम मिले, मैं बहुत काम कर चुका। और जहाँ तक मुझे लगता है उनको अवार्ड भी मिले हैं, पैसा भी मिले हैं, इनामत भी मिले हैं, काफ़ी कुछ उनको मिला है। इसमें उनका पैसा उनके पास ऐसा नहीं था कि उसी एजेंसी पर उनका काम चल सकता था, लेकिन एक शौक़ था और एक भाषा का, एक ज़बान की खिदमत थी कि वो लोग घर घर पहुँचाना चाहते थे। मैं इतने बड़े आर्टिस्ट को, इतने बड़े फनकार को खराज-ए-अकीदत पेश करता हूँ, और चाहता हूँ कि लोग जो अगर वो बेकदरी के शिकार हुए हों, जैसा मुश्ताक करीमी साहब ने कहा कि भाई एक ऐसे जोक है वो कि जिनके तरफ पैसा बाकी रहेगा अगर उनको सुन रहे हैं वो लोग, तो वो जल्द से जल्द उनके अहले खाना को, उनके परिवार को वो तमाम बिल चुकाएं, ताकि बेचारे कम से कम वो उस पैसे पर थोड़ी दिन राहत की सांस ले सके। रशीद काश्मी साहेबानी सांगितलं की मेराज फैजाबादी आणि त्याच्या गप्पा त्यांनी ऐकल्या। शम्स जालनवी साहेबांवर प्रेम करणारे खूप लोक होते। आपल्या जळगावचाच एक संदर्भ जर सांगायचा झाला, आपल्या जळगावचे एक प्रख्यात असे उद्योगपती इंडस्ट्रियलिस्ट रजनीकांतभाई कोठारींचं एक उदाहरण द्यायला साक्ष झाले। रजनीकांतभाई कोठारी शम्स जालनवी यांचे एवढे चाहते होते की वर्षभरातून किमान 3-4 वेळा शम्स जालनवी यांना ते त्यांच्याकडे बोलवायचे। त्यांच्या मित्रपरिवारामध्ये 15-20 लोकांचा त्यांचा ग्रुप असायचा आणि त्या ग्रुपमध्ये ते शम्स जालनवीला यांना बोलवायचे आणि रात्रभर त्यांची ती मैफिल मस्त चालायची। आणि मग सकाळी सकाळी ते त्यांच्यासोबत शम्स जालनवी जळगावात आले तर रजनीकांतभाई कोठारी यांच्याकडे थांबणार, त्यांच्यासोबतच जेवण करणार, त्यांच्याच हॉटेलमध्ये मुक्कामी राहणार। मला आठवतं साहेब भाई नए अपने बस स्टैंड के पास में जो होटल गैलेक्सी होटल में काफी बार शम्स जालनवी साहब को वहाँ रुकते हुए मैंने देखा है जी। कादरी साहब ने तो उनका तारुफ मुझे से कराया था, करा दिया था। वो तो कलेक्टर ऑफिस में जब आए थे शायद जावेद भाई उस टाइम होंगे, वो हमारा तो तारुफ किया, बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने उनका परिचय दिया कि ऐसे ऐसे शायर। जब जब शम्स साहब आए तो कादरी साहब को मिलने के सिवा वो गए नहीं है, उनके मकान पर भी वो रह चुके हैं। जैसे आपने कोठारी साहब की बात की, हाँ, तो ये भी कदरदान है, हाँ, हिंदी का भी हो उर्दू का भी हो, और वैसे कादरी साहब भी थे। नहीं, एक मुशायरे का एक आपको याद दिला दूं, इन्होंने बताया कि वो कुछ लोग उनको ऐसे ऐसे, एक मुशायरा उनका प्राइवेट मुशायरा जो 15-20 लोगों का था, रजनीकांत भाई ने उनको एक गजल के 21,000 रुपए दिए थे। वो इतनी अच्छी लगी, वो वही गजल मैंने जो बोला मेरा मन कितना पागल, मेरा मन वो गजल पे वो इतना छा गए, तो रजनीकांत भाई ने उनको 21,000 अपनी जलगांव की बात की। असा हा प्रतिभावंत कवि, प्रतिभावंत शायर आपल्या जळगावशी संबंधित होता। अनेक मुशायरे त्यांनी जळगावमध्ये गाजवले, ज्या जळगावच्या पहिल्या म्हणजे जळगावमध्ये गाजलेल्या, आणि आत्तासुद्धा आपण यूट्यूबवर वगैरे पाहिलं तर इकरा कॉलेजचा मुशायरा तर आपल्याला यूट्यूबवर दिसतो, जळगाव जैन चॅरिटीजने घेतलेला तो मुशायराही आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो। त्यानंतर जळगावमध्ये जे उर्दू मुशायरे खूप झाले गाजले, त्याला पाया जो घातला तो जैन चॅरिटीजच्या त्या पहिल्या मुशायऱ्याने घातला, आणि तो अविस्मरणीय असा मुशायरा त्या ठिकाणी झाला।
मी शम्स जालनवी यांच्या एका काही शेर आणखी आपल्या समोर सादर करणार आहे. आपण त्याच्यावर पुन्हा बोलूया. अपनी फितरत को बदल के देखेंगे, अपनी फितरत को बदल के देखेंगे, अपनी फितरत को बदल के देखेंगे, हम भी कांटों पे चल के देखेंगे. अपनी फितरत को बदल के देखेंगे, हम भी कांटों पे चल के देखेंगे. आगे चल के वो शम साहब कहते हैं, उसने सब आईने बदल डाले. क्या बात है, उसने सब आईने बदल डाले, हम भी चेहरा बदल के देखेंगे. क्या बात है, हम भी चेहरा बदल के देखें. उसने सारे आईने बदल डाले, हम भी चेहरा बदल के देखें. जावेद भाई क्या कहेंगे आप, कैसा है लगता है आपको? मुझे तो अगर मुझसे दिल से अगर मेरी जो आवाज़ है वो यही है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखिए शायरी और प्रस्तुत और तरन्नुम, आप मुशायरे कवि सम्मेलन में बहुत सारे वेराइटी है उसमें होती है. आप जिगर मुरादाबादी की सुनिए, शेरी भोपाली को सुनिए, फिर कैब भोपाली साहब को सुनिए, पुराने लोगों में शकील बदायूनी साहब को सुनिए, मजरू साहब को सुनिए. लेकिन मैं पुराने शायरों में जो शमीम जयपुरी की जो प्रथा थी तरन्नुम की, उसकी एक कड़ी शम्स जालनवी के तरन्नुम को मानता हूँ. ये मेरी अपनी जाती राय है. शम्स जालनवी साहब के ताल्लुक से बात कर रहे थे. शम्स जालनवी साहब जहाँ कादरी साहब से मुलाकात करते, और मैं रजनीकांत कोठारी साहब का मैं दिल से उन्हें सलाम करता हूँ कि वो वाकई जैसे दूसरे लोग जौहरी हैं, रजनीकांत कोठारी भाई भी जौहरी हैं, शम्स साहब की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रखते थे. उनको अच्छे से अच्छी जगह ठहराते, अच्छे से अच्छा खिलाते. वो इस गरीब के पास भी कभी कभी आया करते थे, आकाशवाणी जलगांव आया करते थे. और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि मैंने कहा कि वो दक्कन के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे. रेडियो स्टेशन जो है उनका औरंगाबाद, औरंगाबाद के जो बड़े शायर थे, बड़े को आप इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, जो बड़े शायर थे, बड़े शोरा थे, वो इनकी पॉपुलरिटी से, इनके तरन्नुम से, इनको हर जगह आमंत्रण से बहुत खफा रहते थे. तो रेडियो पर उनको रोकने की कोशिश ना किसी तरीके से टैलेंटेड लोगों के साथ चश्मक. तो शम्स साहब मर्तबा कर चुके हैं, और मैं आपको आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि दक्कन में वो कितनी मर्तबा रिकॉर्ड हुए मालूम नहीं, लेकिन आकाशवाणी जलगांव ने उनको 3 मर्तबा रिकॉर्ड एक रिकॉर्डिंग तो आज भी मौजूद है. बाकी दूसरी रिकॉर्डिंग का मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक रिकॉर्ड मैंने शम्स जालनवी साहब का संभाल कर रखा हूँ. क्या तो ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ. कदरदानी है ये. और एक दो शेर मैं आपको बता देता हूँ. रोते रोते हंसी की बात करो, रोते रोते हंसी की बात करो, रंज में भी खुशी की बात करो. ये आपने बोला ना कि शायर के पीछे एक बड़ा दुख रहता है, और वो दुखी उसमें आता है, सामने आता है. उम्मीद है. जावेद भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अनिल पाटिल साहब मराठी देशदूत के संपादक तो है, लेकिन वो उर्दू के एक अच्छे अनाउंसर भी हैं, और उसका नमूना वो यहाँ अभी पेश कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि कासमी साहब ने कहा, लेकिन बात मैं और शिद्दत से कह दूँ कि जिस ज़माने में कादरी साहब यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर थे जी, तो उर्दू की खबरों को, उर्दू के प्रॉब्लम्स को देशदूत के प्लेटफॉर्म पे बड़े पैमाने पे जगह देने के लिए भी, मुशायरे की रिपोर्टिंग के लिए भी अनिल पाटिल साहब को पूरे जलगांव के क्रीम ऑफ द सोसाइटीज के सामने उर्दू दोस्त का अवार्ड दिया गया. वो उनके निवास पर भी, उनके बंगले पर ही एक पार्टी हुई थी, जस्ट हुआ था, छोटी नशीब में आपको अवार्ड दिया. तो हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कोई मराठी के मंच पर है, ऐसा भी लग नहीं रहा है. हम लोग शम्स साहब की शायरी पर, मेरा तो बाद में जिक्र चलता रहेगा, लेकिन हम लोग शम्स साहब की शायरी पर बात की. शम्स साहब की शायरी के ताल्लुक से या उनके व्यक्तिमत्व के ताल्लुक से मैं एक बात भूल गया मैं आपको बताना जी, कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया जी, कि उनके साथ उन्होंने
कवि सम्मेलन भी पढ़ा और उन्होंने विशेष आमंत्रित भी किया जी। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि साहिर लुधियानवी नौशाद, नौशाद तो खैर नौशाद शायर नौशाद गुलजार शकील बदायूनी हफीज मेठी मजरू सुल्तानपुरी बशीर बद्र के साथ तो जलगांव में ही पढ़ा, ऐसे बड़े बड़े नामवंत जो उर्दू हिंदी की बड़ी फिगर्स हैं उनके साथ उन्होंने मुशायरा पढ़ा और मैं इसका विटनेस हूँ। नासिक के एक मुशायरे में जैसे शम्स साहब जो है जहाँ बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में गजबीए साहब कमिश्नर थे नासिक डिवीजन के, तो उन्होंने उनकी मिसेज जो है उन्होंने एक कवि सम्मेलन मुशायरा अरेंज किया था जिसमें नदा फाजली को बुलाया गया था और उसमें शम्स साहब भी थे। तो नदा फाजली ने जैसे ही शम्स साहब को देखा अपनी जगह से उठ खड़े हुए और गले मिले। ये ताल्लुक बड़े शायर थे साहिर मजरू शकील बदायूनी हफीज मीठी निदा बशीर बद्र ऐसे बड़े बड़े शायरों के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने स्टेज दिल्ली का जो 26 जनवरी के पहले रात को 25 जनवरी को जो मुशायरा होता है ऑल इंडिया लेवल का उसमें बहुत बार शिरकत की है इनकी शम्स साहब की। और एक नाम आपको बता दो जो मैंने परसों दुखी जालन में इनका दुखी जालन किया वो राय साहब दुखी नाम से लिखते थे, राय साहब उनका नाम है, उनके भी दो किताबें आई हुई है। और दुखी साहब का शेर वो हम लोग बहुत बार पेश भी करते हैं कुछ कुछ इसमें प्रोग्राम में लाते हैं। तो इमारत में पाया बड़ी थी तजारत में माया बड़ी और रहे सदा सर पर सलामत ए दुखी तेरे जीने के लिए बुजुर्गों का साया बड़ी, साया बड़ी। ये दुखी जालनवी और शम्स जालनवी दोनों शायर साथ में दिल्ली का मुशायरा शिरकत करते थे। जालने की विशेषता रही है जालना जिले की, ऐसा बड़ा शायर हमारे पड़ोस के गांव में रहता था, एक आम जिंदगी से वो उभर कर आए, शायरी से उनको बहुत लगाव था और शायरी ने उनको ऑल इंडिया लेवल पर बड़ा किया। जैसे बीडी कंपनी का एक वर्कर मैनेजर मालक उनके वालिद जो थे शम्स साहब के वालिद जो थे पहलवान थे, पहलवान थे और उनको पहले लगता था कि मेरा बेटा भी आगे चल के पहलवान बने, लेकिन वो पहलवान तो नहीं बना लेकिन शायरी में पहलवान बना। पहलवानी शम्स साहब ने भी की हाँ, लेकिन बाद में जब उनको ये लगा कि पहलवानी का वो डंडा हाथ में लेने की बजाय कलम हाथ में लेना चाहिए, ये उनके अंतर आत्मा ने शायद उनसे कहा, वो शायरी के पहलवान और उसके बाद में ऐसा वो तो है। आज़ादी के पहले यानी 42 साल में उन्होंने 10वीं 11वीं की परीक्षा देने के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी से फारसी में एमए करना, वो आज़ादी के पहले के साल के बाद 42 साल में उन्होंने वो किया है, वो बहुत बड़ी बात है। आज फारसी एमए करने वालों की संख्या देखे तो कितने मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे और वो भी उधर लाहौर में कराची में जाके पढ़ना, यानी कितना शौक बहुत कितना उर्दू का शौक कितना उर्दू लैंग्वेज के लिए उर्दू अदब के लिए उनका जो काम रहा है वो नहीं मिटेगा। उनकी बुनियाद पक्की थी। शम्स साहब जाएंगे निकल जाएंगे, हम लोग अभी समारोह की तरफ है तो वही उनकी जो गजल के दो एक शेर और जो मेरा मन कितना पागल है थोड़ा हम लोग पढ़ लेते। जहर से जीवन मांग रहा है, सूखे पेड़ से छाया मांग रहा है, पत्थर दिल से माया मांगे, गूंगे से वह प्यार की बोली, गूंगे से वह प्यार की बोली, निर्धन से धन मांग रहा है। क्या शायरी है। खुशबू कागज के फूलों से, ठंडक भड़के हुए शोलों से, अंधों से आंख की ज्योति और दर्पण मांग रहा है, मेरा मन कितना पागल है। ऐसा इतना बुजुर्ग शायर, इतना बड़ा प्रतिभावान शायर आज हमारे बीच में नहीं है, और हम लोग वो तो अभी आज हमारे बीच में नहीं भी है लेकिन उनकी शायरी हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। उनके दो किताबें आए हैं शम्स साहब के हिंदी में, शायद उनका सूरज से कुछ बहुत बड़ा लगाव लग रहा है। शम्स का अर्थ भी सूरज ही है और उनका ताल्लुक भी जैसा आगे देखो 5 बजे एक आदमी उर्दू पेपर बांटने के लिए घर से निकलता है सुबह 5 बजे तो जब तो सूरज आया नहीं, सूरज निकलता जब सूरज आता है तो उनका आधा जालना घूम फिर कर वो
पूरे सूरज को देखते हैं जी, शायरी में सूरज है और शायरी में भी सूरज है, सूरज की दस्तक देते थे सुबह से। हाँ, सूरज के। और कुछ एक दो आशार आप उनके सुनाएंगे? असल में उनकी एक विशेषता ये थी कि आपने कहा कि भाई शम्स का मतलब सूरज था, उनका जो मक्ता रहता था गज़ल का जो आखिरी शेर रहता था जिसमें शायर का तखल्लुस आता है, तो वो जो है शम्स को बहुत अच्छा निभाते थे अपनी शायरी में। जैसे मक्ते की बात चली है, शम्स की बात चली है, तो उनका एक मक्ता है कि देख ले पर्दे मशरिक से ज़रा झांक के शम्स, देख ले पर्दे मशरिक से ज़रा झांक के शम्स, शब के मारों की तमन्ना है सवेरा होना। क्या और मैं जो उन्होंने मक्ता बरता है अपने नाम का, शम्स नाम का, अपनी गज़लों में कि गुरूबे शम्स का मंज़र भी खूब मंज़र था, गुरूबे शम्स का मंज़र भी खूब मंज़र था, शफक के रंग में डूबी हुई हिना की लकीर। और एक शेर है कि कल किरण शम्स की तू देख सकेगा कि नहीं, शम्स की कल किरण शम्स की तू देख सकेगा कि नहीं, आज की बात को मत कल पे उठाने पे रखना। ये थे शम्स साहब के चार मिसरे। बस मैं एक ऐसे सुनाऊंगा जिसमें क्या बात, शायरी उनके एक उरूज पर हमको दिखाई देती है। जैसे जावेद साहब ने मक्ते के अशार पेश किए कि बोझ गमों का हल्का होगा रोने दो। देखिए इसमें साइंस भी है, साइंटिफिक चीज भी है कि बोझ गमों का हल्का होगा रोने दो, नाकामी के दाग लगे हैं धोने दो। क्या बात, बोझ गमों का हल्का होगा रोने दो, रोने दो, नाकामी के दाग लगे हैं रोने दो, आस के सारे पंछी मुझसे रूठ गए, जाग गया मैं अरमानों को सोने दो, अरमानों को सोने दो, जाग गया मैं अरमानों को सोने दो। ऐसे नए जमाने के शेर भी शम्स साहब ने अपने शायरी में कहे हैं। एक बड़ा शायर हमारे दरमियान से चला गया, उसकी यादें हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके शायरी में जो दुख है पटेल साहब, तो दुख के साथ में उम्मीद भी है, आशा भी है, आकांक्षा भी है, यानी वो दुख को लेकर अगर रहते तो इस जगह पर नहीं आते। उसी दुख को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और वो ताकत उनको बड़ा शायर बनाई। उनके मौत के बारे में, अभी तो वो नहीं रहे लेकिन मौत के बारे में उन्होंने लिखा था, मौत बरहक है, मौत बरहक, मौत बरहक है, वो तो आएगी, वो तो आएगी, मौत बरहक है, वो तो आएगी, हम घर से बाहर निकल के, हाँ निकल के देखते हैं, हम घर से बाहर निकल के देखते हैं। आज की हालत में भी थी, तो अटल है तो येणार है, आपने तो फिरो नहीं बराबर काय प्रतिभावन छाए, आज की हालत में भी मुनासिब है। मंडळी अशा शम्स जालनवी साहेबांवरच्या या शायरीचा परिचय आपण आज या ठिकाणी करून घेतला। एक प्रतिभावान कवी, प्रतिभावंत शायर ज्यांनी राष्ट्रीय पातळीवरती मुशायरे गाजवले, ज्यांच्या मुशायऱ्यांनी, ज्यांच्या शायरीने सगळे मुशायरे लोकांच्या संस्मरणात राहिलेले आहेत, अशा शम्स जालनवी साहेबांना आपण श्रद्धांजली अर्पण करूया आणि थांबूया। आज वेळात वेळ काढून ही उर्दू अदबमधली मंडळी, मान्यवर मंडळी, मुश्ताक करीमी सर, जावेद अन्सारी भाई आणि रशीद कासमी सर या ठिकाणी आले, त्यांनी शम्स साहेबांच्या शायरीवर आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं। संवाद कट्ट्याच्या वतीनं या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो। धन्यवाद।